Hello everyone, welcome to Study Ocean. So let's continue with history set 2. इससे पहले set 1 मैंने history के ऊपर बनाया था और मैंने कहा था कि आपके comments होंगे तो मैं set 2 जरूर बनाऊंगा. तो ये है set 2 और इससे पहले जो set 1 था उसमें मैंने ancient history के सवाल ज़्यादातर पूछे थे और ये है set 2 जिसमें मैं मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न का अभ्यास आपको कराऊंगा. ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे कम पूछे जाते हैं एशियंट हिस्ट्री के सवाल, यानी कि जो हमारा इसमें कुछ ही टॉपिक हैं जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर वैदिक जो पीरियड है उनके क्वेश्चन, तो इनमें सबसे कम जो है वो पूछे जाते हैं. सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से. मॉडर्न हिस्ट्री की एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो इसके ऊपर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बनाना चाहिए. और ये है सेट 2 और ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ. मेरा नाम है राकेश. शुरू करते हैं आज का वीडियो. पहला सवाल, दिल्ली सल्तनत का जो काल है, जो वंश है, उन्हें आपको सही ऑर्डर में जमाना है. यानी कि पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, इस तरह से आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको करेक्ट ऑर्डर जो है उसमें लगाना है. तो तुगलक वंश, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे शासक थे जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिलजी वंश जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, स्लेव डायनेस्टी जिसमें थे बलबन, और लोधी डायनेस्टी जिसमें थे इब्राहिम लोधी. ठीक है, तो इस तरह के जो मशहूर शासक थे उनके क्रम को आपको मैच करना है. तो सबसे पहले आया गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, और फिर आया लोधी वंश. ठीक है, तो आंसर जो है वो सी वाला सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर, बात हो रही है दक्षिण भारत की, तो विजयनगर एम्पायर के जो फेमस मॉन्यूमेंट हैं वो हमें दक्षिण भारत में कहाँ पर देखने को मिलेंगे. ठीक है, विजयनगर एम्पायर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे. ये चार ऑप्शन जो हैं वो चारों कर्नाटक में हैं, गुलबर्ग, बेलगाम, हम्पी. तो गुलबर्ग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन होता है जो मुस्लिम और हिंदू के बीच. बेलगाम में अगेन कम्युनल टेंशन है हिंदू मुस्लिम के बीच, और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बॉर्डर है बेलगाम. तो यहाँ पर पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के मॉन्यूमेंट्स हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आंसर है हम्पी. हम्पी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, एंड इट्स लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. यहाँ पर आपको विजयनगर एम्पायर के काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे. चौरी चौरा का जो कांड था, इंसिडेंट्स था चौरी चौरा का, इसके बाद गांधी जी ने कौन से मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, ख़त्म कर दिया इस मूवमेंट को. ठीक है, तो चौरी चौरा क्या है आपको पता है. ये चौरी चौरा कांड में एक पुलिस स्टेशन जिसमें कुछ क्रांतिकारियों ने या फिर यूं कहें तो एक भीड़ तंत्र ने, एक गुस्साई हुई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जिससे काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई, जिसमें से कुछ ब्रिटिशर्स भी थे. तो गांधी जी ने इस चौरी चौरा कांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने ख़त्म कर दिया. कब किया, 1922 में. 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1922 में इसे ख़त्म कर दिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद. नेक्स्ट, इल्तुतमिश. सबसे पहले तो बताइए कि इल्तुतमिश का नाम आपने कहाँ पे सुना है. इल्तुतमिश जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, हालांकि कुतुब मीनार का कार्य जो है स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने. ठीक है,
तो इल्तुतमिश ने एक 175 ग्राम का एक सिक्का जारी किया, काफी हैवी क्वाइन होता है 175 ग्राम, यानी कि लगभग पौने 200 ग्राम का एक सिक्का। ये किस मेटल का बना था, किस धातु का बना था? ये सवाल उतना आसान नहीं है, टफ है, तो बस ये याद रख लीजिए कि 175 ग्राम का जो सिक्का है इल्तुतमिश ने जारी किया था, ये था चांदी का, सिल्वर का। औरंगजेब जो कि एक मुगल रूलर थे, ये कौन सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, एक वाद्य यंत्र बजाते थे काफी अच्छी तरह से? औरंगजेब आपको पता है कि उतने पसंद नहीं किए जाते थे ये शासक, क्योंकि ये सेकुलर नहीं थे, हर धर्म के लिए ये सेकुलर नहीं थे। इन्होंने काफी सारे हिंदू इमारतों को तोड़ दिया, हिंदू मंदिरें इन्होंने गिरवा दी, और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इन्होंने भारत में जो मुसलमान जो धर्म है उसको भारत में एक तरह से थोपा। तो इन्होंने, ये बिल्कुल भी सेकुलर नहीं थे, इसीलिए लोगों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता था इन्हें। और कोशिश तो ये भी की जा रही है कि इनका नाम इतिहास से मिटा दिया जाए, जिस तरह से दिल्ली में औरंगजेब मार्ग का या औरंगजेब रोड का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है, तो इस तरह से इनकी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है। लेकिन ये उतना अच्छा डिसीजन नहीं है, किसी भी प्रकार से हिस्ट्री को मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री अच्छे और बुरे दोनों लोगों से बना हुआ है। हिस्ट्री में, इतिहास में अच्छे लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना बुरे लोगों का है, दोनों से मिलकर बनी हुई है हिस्ट्री। तो इस तरह से हिस्ट्री से किसी का नाम मिटाना नहीं चाहिए। तो औरंगजेब जो है वो सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो थे वीणा। वीणा एक मुस्लिम स्कॉलर थे, स्कॉलर बोलते हैं कि एक विद्वान आदमी, कोई एक विद्वान आदमी, इसे बोला जाता है स्कॉलर, ठीक है? तो ये मुस्लिम स्कॉलर थे जो कि भारत आए थे महमूद गजनवी के टाइम में। महमूद गजनी के समय कौन से मुस्लिम स्कॉलर थे जो भारत आए थे? ये जो है इनका नाम है अल बरौनी, ठीक है? अल बरौनी, कुशीनारा या फिर कुशीनगर, ये यहां पर गौतम बुद्ध, यानी कि जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण, जिसे मोक्ष कहा जाता है, ठीक है? तो गौतम बुद्ध को यहां पर मोक्ष मिला था। तो ये भारत के उस टाइम पर एशियंट इंडिया के कौन से प्रोविंस का हिस्सा था? क्या वो अंग का हिस्सा था, मगध का हिस्सा था, मल्ल का हिस्सा था, या फिर वत्स का हिस्सा था? यानी कि कुशीनगर जो है वो किस प्रोविंस का हिस्सा था? तो कुशीनगर था मल्ल का हिस्सा, मल्ल। अकबरनामा जो कि अकबर के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो ये मुगल काल में लिखा गया था, और मुगल काल की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, तो इसे लिखा गया था पर्शियन में, यानी कि फारस में, ठीक है? फारसी भाषा में इसे लिखा गया था, आंसर है पर्शियन। कबीर जो कि एक फेमस संत हुए, तो कबीर जो है वो किसके शिष्य थे, किसके डिसाइपल थे, किसके शिष्य थे? तो कबीर के बेसिकली गुरु कौन थे आपको बताना है, तो कबीर के गुरु थे गुरु रामानंद। गुरु रामानंद, आपको जब आपको पढ़ना होता है संत, तो यहाँ पर वैदिक पीरियड में काफी सारे संत हुए हैं, इसके अलावा जो भक्ति आंदोलन का पीरियड था उस समय भी काफी सारे संत जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आपको अगर संत की पढ़ाई करनी है, संत के बारे में अगर आपको जानना है, तो फिर आपको भक्ति आंदोलन को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, और इनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये है कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर थे गुरु रामानंद के शिष्य। इनमें से किसका बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है? स्वामी विवेकानंद, क्या इनका बचपन का नाम था, या फिर रामकृष्ण परमहंस, श्री अरबिंदो, या फिर स्वामी प्रभु पद, किनका नाम था बचपन का गदाधर चट्टोपाध्याय? तो स्वामी विवेकानंद जी को का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र, और रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। सो आंसर है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस
स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और स्वामी प्रभुपद ये इस्कॉन के संस्थापक थे। इस्कॉन बोला जाता है, इस्कॉन की आपने, इस्कॉन बेसिकली जो होती है वो कृष्णा की एक मूर्ति होती है, आपने देखा होगा इस्कॉन की मूर्तियां कृष्णा की। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, ठीक है। तो इसके फाउंडर थे स्वामी प्रभुपद और गदाधर चट्टोपाध्याय जो बचपन का नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस का। रूमी दरवाजा जो कि एक फेमस मॉन्यूमेंट है, रूमी दरवाजा ये भारत के किस शहर में है? रूमी दरवाजा जो है वो है लखनऊ में और लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। तो अगर पूछ लें कि रूमी दरवाजा कहाँ है तो रूमी दरवाजा है लखनऊ में। और रूमी जो है वो एक संत हुए थे। रूमी की कहानियाँ अक्सर स्कूलों में पढ़ाई जाती है और ये जो है वो मॉन्यूमेंट है लखनऊ में। अलाई दरवाजा ये किस मॉन्यूमेंट के का मुख्य द्वार है, यानी कि जो आप इस मॉन्यूमेंट में अगर जाएंगे तो अलाई दरवाजा को आपको क्रॉस करना होगा। किसका फ्रंट गेट है जिसको बोलते हैं अलाई दरवाजा? अलाई दरवाजा बोला जाता है कुतुब मीनार के दरवाजे को, ठीक है। कुतुब मीनार जिसे बनाया था, जिसका कंप्लीट कराया था, जिसका काम को इल्तुतमिश ने और स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनमें से कौन सा सुल्तान है जिसने कहा था कि अगर आपको कोई भी त्योहार सेलिब्रेट करना है, फेस्टिविटीज करनी है या फिर आपको कोई मैरिज करनी है तो आपको परमिशन लेना होगा? तो ये फरमान जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का ये फरमान था, इन्होंने कहा था कि इफ यू वॉन्ट टू फेस्टिविटीज एंड मेक अदर मैरिज अलाइंसेस यू शुड टेक द परमिशन। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये फरमान था। वहाँ के जो भी कोर्ट में रहने वाले लोग थे, चाहे वो सेनापति हो या बड़े हो या फिर कोई आम जनता हो, सभी के लिए ये परमिशन लेना अनिवार्य था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये फरमान जारी किया था। अब्दुल कादिर बदौनी, नाकिब खान और शेख सुल्तान, तो ये तीनों जो है वो थानेश्वर के हैं और तीनों ही स्कॉलर हैं, यानी कि महान ज्ञाता हैं, ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में। तो ये किस मुगल एम्पायर के कोर्ट में थे? अब्दुल कादिर बदौनी, नाकिब खान और शेख सुल्तान, ये तीनों थे अकबर के कोर्ट में, अकबर। और इसके अलावा अकबर के पास नौ रत्न थे, ये भी आपको याद रखना है। अकबर के नौ रत्न, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि अकबर में नौ रत्न कौन थे। इसमें टोडरमल शामिल थे जो कि टैक्स सिस्टम को ओवरसी करते थे। इसके अलावा बिरबल, अबुल फजल, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं अकबर के नौ रत्न के बारे में। और अकबर के ही दरबार में अब्दुल कादिर बदौनी, नाकिब खान, शेख सुल्तान ऑफ थानेश्वर, ये सारे स्कॉलर जो हैं वो अकबर के कोर्ट में थे। अर्थशास्त्र ये किस साम्राज्य के काल में लिखा गया था? अर्थशास्त्र को लिखा था कौटिल्य ने, तो इसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र बोलते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य दरबार में रहते थे, तो आंसर है मौर्य वंश, क्योंकि चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश के शासक थे। आंसर है मौर्य काल के समय लिखा गया था अर्थशास्त्र। एक चीज याद रखिए, अर्थशास्त्र जो है इसमें ये मत समझिए कि इसमें इकोनॉमी के बारे में लिखा होगा, इसमें इकोनॉमी के बारे में नहीं, इसमें राजाओं के बारे में लिखा हुआ था कि राजा को किस तरह से अपनी प्रजा को संभालना चाहिए, राजाओं के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सारी चीजें लिखी गई थी अर्थशास्त्र में और इसे लिखा था कौटिल्य ने। नटराज जो कि भगवान शिव का एक विशेष स्टैचू है या फिर एक डांस करने का एक विशेष तरीका है या फिर खड़े होने का एक विशेष तरीका है, जिसको बोलते हैं नटराज की मूर्तियां, ठीक है, जो कि भगवान शिव की हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव को इस मुद्रा में। तो ये दक्षिण भारत के किस डायनेस्टीज के समय इसे बनाया गया था, या ये कह सकते हैं कि किस डायनेस्टी ने इसे बनवाया था? तो ये जो नटराज मूर्ति है ये बनाया था चोला डायनेस्टी ने, चोला डायनेस्टी।
देखिए, जो दक्षिण साम्राज्य है, दक्षिण भारत का साम्राज्य है, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न रीजन, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत के कुछ साम्राज्य हैं जैसे कि चोला, चेर, पांड्या इत्यादि, ये सभी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछते हैं। तो नटराज की जो मूर्तियां हैं वो बनी थी चोला डायनेस्टी के समय। फेमस लिंगराज टेम्पल है जो कि भारत के कौन से राज्य में स्थित है? लिंगराज का टेम्पल है भुवनेश्वर में और भुवनेश्वर राजधानी है ओडिशा की, सो आंसर है ओडिशा। ओडिशा। इसके अलावा ओडिशा में कुछ और भी फेमस मंदिर हैं जैसे कि जगन्नाथपुरी का मंदिर, ठीक है, और कोणार्क का सन टेम्पल है यहाँ पर जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। तो ये सारे जो टेम्पल हैं वो ओडिशा के अंदर हैं और लिंगराज का मंदिर भी ओडिशा में है। एक बुक है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका नाम की बुक किसने लिखी है? देखिए, इंडिका जो है इस बुक को लिखा है एक ग्रीक पर्सन ने, और ये जो ग्रीक शासक थे सेल्यूकस, उनका राजदूत था भारत में, इन्होंने लिखा था इंडिका, और इनका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, जो कि ग्रीक शासक सेल्यूकस का राजदूत था भारत में, और इन्होंने इंडिका में कहा था कि भारत में कोई भी गुलाम नहीं है, कोई भी स्लेव भारत में नहीं है, ऐसा कहा था मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। एक बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक बुक है, इसे किस इकोनॉमिस्ट फिलोसोफर ने लिखा है? आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर होंगे, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, आई थिंक ये आपको ये पता होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म को मैं समझाना चाहूंगा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने घर में फॉर एग्जाम्पल एक जूता बनाता है, इसे बनाने में उसे 100 रुपए लगते हैं, और फिर ये मार्केट में मतलब कि एक बड़ी कंपनी को ये बेच देता है 200 रुपए में, ठीक है। और इस जो कंपनी है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे कि नाइकी की कंपनी हो या फिर एडिडास की कंपनी हो, तो ऐसी बड़ी कंपनियां इस 100 रुपए में बने जूते को 200 रुपए में खरीद लेते हैं और उसे अपने कंपनी का नाम दे देते हैं और उसे फिर बेचते हैं 1,000 रुपए में। तो आप देख सकते हैं कि जो जूता बन रहा है वो जो बनाने वाला है वो सिर्फ 100 रुपए कमा रहा है, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो डायरेक्ट 1,000 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 800 रुपए का मुनाफा यहां पर कमाया जा रहा है, ठीक है, कंपनी के द्वारा। तो एक समय ऐसा आएगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो व्यक्ति है जो जूता बना रहा है वो गरीब होता जाएगा और कंपनियां अमीर होती जाएगी, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति उस कंपनी के खिलाफ बगावत कर देगा, उस कंपनी के लिए काम नहीं करेगा और कहेगा कि कंपनी में दबाव बनाएगा कि हमें अपना शेयर आप दें, ठीक है, अपने शेयर जो है वो हमारे नाम करें, इस तरह के दबाव यहां पर बनाए जाएंगे। फिर क्या होगा, एक कम्युनिटी के द्वारा, एक बड़ी कम्युनिटी के द्वारा जो कंपनी है उसे ऑन किया जाएगा, कंपनियों को चलाया जाएगा इस कम्युनिटी के द्वारा। कहने का मतलब कोई भी एक कम्युनिटी अगर किसी कंपनी को चलाती है तो वो कम्युनिज्म का एग्जाम्पल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गांव है जहां पर एक कंपनी है और गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा अगर इस कंपनी को चलाया जाता है तो ये होता है एग्जाम्पल कम्युनिज्म का, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया तो पूरे विश्व में कम्युनिज्म को काफी बढ़ चढ़कर प्रमोट किया गया, उसे उसका उपयोग किया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी सोशलिज्म की तरफ फ्लॉप हो गया। ये कुछ दिनों तक ही टिक पाया, ज्यादा समय तक ये टिक नहीं पाया, और जो सोशलिज्म है उसकी तरफ ये भी खत्म हो गया। अब का जो युग है वो काम करता है कैपिटलिज्म के ऊपर, यानी कि लाभ कमाने के ऊपर। इसमें कैपिटलिज्म में प्रॉफिट ड्रिवन होता है, ठीक है, इसमें लीजर फेयर इकोनॉमी होती है, फ्री ड्रिवन होता है। तो काफी सारी चीजें जो है वो आज के युग में की जा रही हैं कैपिटलिज्म के ऊपर, यानी कि आज की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म के ऊपर काम करती है। सो इसमें पूछा गया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक लिखा है किसने, तो
तो ये लिखा है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। और इनके अलावा एक बुक और है इनकी जो काफी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल, ये भी याद रखो। इनमें से कौन सा शासक है जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक, लास्ट जो मौर्य किंग था, राजा जिनका नाम था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी? तो ये है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश की स्थापना इन्होंने करी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारने के बाद, शुंग वंश की नींव रखी पुष्यमित्र शुंग ने। इनमें से वो कौन सा पोर्चुगीज वॉइस रॉय है जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को भारत में चलाया, कि ये जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो करते थे और भारत में भी ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, इनका नाम क्या है? तो ये कौन है, क्या ये अल्फांसो द अल्बक्रुक है, फ्रांसिस्को द अल्बेडिया है, या फिर डियागो लोपेज द सेक्यूरिया है, या फिर वास्को डिगामा है? तो इनका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मेडिया। फ्रांसिस्को द अल्मेडिया, इन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। डच, डच बोलते हैं हॉलैंड या फिर नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को। तो डच जो है इनके द्वारा पहली फैक्ट्री भारत में किस जगह पर लगाई गई? पहली फैक्ट्री डच के द्वारा लगाई गई, क्या ये सूरत में लगाई गई थी, मछलीपट्टनम, या फिर इसे मखालीपट्टनम बोलते हैं, या फिर नागपट्टनम, या फिर पुलिकट, कहां पर लगाई गई थी डच के द्वारा पहली फैक्ट्री? तो डच के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई थी मखालीपट्टनम में, मखालीपट्टनम। संत ऑफ दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का संत बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं द गॉस्पल्स ऑफ परमहंस, द गॉस्पल्स ऑफ परमहंस, जिनके बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है रामकृष्ण के बारे में। तो आप इन बुक के माध्यम से इनके जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये दोनों बुक ही काफी ज्यादा फेमस है। 1857 की जंग में काफी सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब इत्यादि शामिल थे। तो नाना साहेब जो है वो 1857 की क्रांति में किस जगह को ये लीड कर रहे थे, कहां से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे? ये लड़ रहे थे कानपुर से, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और कानपुर से लड़ रहे थे नाना साहेब 1857 की क्रांति में। इनमें से कौन सा एम्पायर है, कौन सा साम्राज्य है, कौन सा संतरत है जिसे मुल्क ए कादिम भी कहा जाता था? क्या ये मैसूर सल्तनत को कहा जाता था, मदुरई सल्तनत, या फिर मराठा साम्राज्य, या फिर बीजापुर साम्राज्य? तो मुल्क ए कैदम कादिम, ये एक दूसरा नाम था मराठा किंगडम का, मराठा साम्राज्य का। मराठा के एक ही काफी बड़े शासक थे जिनका नाम था शिवाजी, ठीक है, तो मराठा किंगडम को बोला जाता था मुल्क ए कादिम। आज का आखिरी सवाल, और ये एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, उतना आसान नहीं है। इस्लाम संत में एक चिश्ती सिलसिला होता था जिसे इस्लाम संत कहा जाता था, चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला का जो क्रम है उसे आपको सही समय में लगाना है, यानी कि पहले कौन सा चिश्ती सिलसिला आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। फॉर एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन है मोइद्दीन चिश्ती, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर बख्तियार काकी, फिर बाबा फरीद। तो आपको बताना है कि पहले कौन से चिश्ती आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए, ठीक है। तो एक चिश्ती तो आपने सुना होगा मोइद्दीन चिश्ती। मोहिद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में इनकी दरगाह है, और ये जो दरगाह होता है, ये जो चिश्ती होता है, यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग जाएंगे।
कोई भी धर्म के लोग यहाँ जा सकते हैं। ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का काम करता है, जहाँ पर कोई भी धर्म के लोग जा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, चादर चढ़ा सकते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। इस दरगाह में काफ़ी पाक और पवित्र जगह मानी जाती है। ये जो मोहिद्दीन चिश्ती को ख्वाजा कहा जाता था, ख्वाजा जी, ख्वाजा आपने गाना सुना होगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो गाना बनाया है वो भी मोहिद्दीन चिश्ती की याद में बनी हुई है। तो मोहिद्दीन चिश्ती सबसे पहले आए, फिर आए बख्तियार काकी, फिर आए बाबा फरीद और फिर आए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का एक कोट था, ये कोट है, हुनूज दिल्ली दुरस्ती, हुनूज दिल्ली दुरस्ती, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, ऐसा इन्होंने कहा था। क्यों कहा था, इसके पीछे एक कहानी है जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इन्होंने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्ती, तो ये याद रख लीजिए बस। तो ये क्रम जो है वो डी वाला सही है, सबसे पहले आए मोहिद्दीन चिश्ती, फिर आए बख्तियार काकी, फिर आए बाबा फरीद और फिर आए निजामुद्दीन औलिया। तो ये वाला क्रम जो है वो ठीक है। सो दैट्स इट, ये था हिस्ट्री सेट टू। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप मुझे कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।